बरेली न्यूज आरजी न्यूज चैनल पे आपका स्वागत है। क्या मामला है जो पीड़ित महिला ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। बताते चलें, बारादरी क्षेत्र की रहने वाली महिला को पति द्वारा तीन तलाक देने के संबंध में उन्होंने अपनी बात रखी है। सुनिए, क्या नाम है आपका? बरेली से कविता की रिपोर्ट। कहाँ रहती हो? मैं यहाँ ससुराल तो मेरी पुराने शहर की है, रहती हूँ सीवीगंज मायावती कॉलोनी में हूँ। थाना कौन सा रखा है? थाना बारादरी। क्या दिक्कत है यहाँ? एसएसपी ऑफिस आई, तलाक दे दिया आदमी ने। तलाक दे दिया जी? कब दिया तलाक? शनिवार को, अगले शनिवार को दिया। अगले शनिवार को? हाँ। किस बात को देखकर कर दिया तलाक? बस 9 महीने से बाहर गया हुआ था, खर्चा पानी दे नहीं रहा था, खर्चा पानी मांगा तो बोला तू गलत है, गलत काम करवाता, खाता घर में ही यहाँ पे आता, और अब परदेश चला गया तो परदेश में 1 रुपया नहीं दे रहा बच्चों के लिए, 5 बच्चे हैं सर मेरे, और उसने तलाक दे दिया, आज को तलाक दिया, कल को अपने बहन के घर आ गया, अब बहन के घर पर बहनों झूठ बोल लिया, वो कह रहे हैं यहाँ नहीं है, अब वो रहे यहीं पर यार। क्या नाम है उसका? जमाल, और आदमी का नाम मुशर्रफ अली है। कब हुई आपकी निकाह? निकाह 14 वर्ष पहले हुआ था। तो इस संबंध में थाने में गए नहीं? थाने में गए थे, उन्होंने ये कहा हम आपको शाम तक का टाइम दे रहे हैं, उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी, हमारी सुनवाई कुछ नहीं हुआ, अभी हम मेला थाने में भी दिया है, उन्होंने भी कुछ सुनवाई नहीं करी है, इस चक्कर में हम यहाँ पे आए आज। क्या कहा था? साहब ने ये कह दिया कल हम यहाँ से भेजेंगे आपको, वो कॉल करें तो आपकी, जब हम यहाँ से लिख के देंगे तो आपकी सुनवाई होगी वहाँ पर।